के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो पहुंचने का जज्बा रखता है। इसी उम्मीद पर खरे उतरे हैं हिमाचल की आवाज सिंगर हंसराज रघुवंशी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की आवाज भोले भंडारी की, जिन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं जिससे कि वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो कई की फेसबुक प्रोफाइल पर है तो किसी की व्हाट्सएप प्रोफाइल पर है, किसी ने उनके गानों की रिंगटोन लगा रखी है तो किसी ने कॉलर ट्यून बना रखी है। हम बताने जा रहे हैं आपको हंसराज रघुवंशी के बारे में। उनका जन्म 18 जुलाई को हिमाचल के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था और अपनी इसी मेहनत के कारण वो अपने स्कूल की हर उस प्रोग्राम में भाग लेते थे जहाँ उन्हें अपना गाना गाने का मौका मिले। एक दौर था जब वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो काफी परेशान थे, लेकिन अपनी गायकी की लगन के चलते उन्होंने एक होटल में वेटर का काम भी किया जिससे वो अपना निजी खर्चा निकाल लेते थे। हंसराज रघुवंशी की ये मेहनत आज उन्हें उस मुकाम पर ले आई है जहाँ उन्हें हर कोई जानता है। हंसराज रघुवंशी ने कई ऐसे गाने गाए हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। हाल ही थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक गाना गाया है बाबा जी, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोगों द्वारा इसे काफी पसंद किया जा रहा है। हंसराज रघुवंशी की एक कहानी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार की बात है जब वो दिन भर भूख से परेशान होकर एक ठेले वाले के पास पहुंचे और ठेले वाले से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। जब ठेले वाले ने खाने के लिए दिया तो हंसराज रघुवंशी ने ठेले वाले को सहज भाव में ये कह दिया कि पाजी मेरे पास पैसे नहीं। तब ठेले वाले ने ये सुनकर झट से उनसे प्लेट छीन ली। तब हंसराज को ये एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है। उसके बाद उन्होंने काफी मेहनत की जब उनके दो एल्बम ही रिलीज हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके कई कैसेट्स आए और जिसने उन्हें मशहूर बना दिया। उसके बाद वो उस ठेले वाले के पास पहुंचे और उसे 2000 का नोट देकर ये कहा कि अगर कोई गरीब तुम्हारे पास आता है तो कभी भी उसे भूखा मत जाने देना। और तब से अब तक आज तक वो उस ठेले वाले को हर महीने 2000 रुपए देते हैं। तो ये है हंसराज रघुवंशी की कहानी जो हमें कई सीख देती है। आज भोले भंडारी अपनी मेहनत की वजह से इतने मशहूर हो गए हैं कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जनता ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है और आने वाले दिनों में वो बॉलीवुड के कई गानों में भी आपको नजर आ सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।